में चली जाती है। पहले तो भाई यहाँ पर मेहर और घर वाले उसको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि भाई हमने देखा था ना कि रस्म होती है और यहाँ वो घर आ जाती है, मुन्नी उसको घर पे छोड़ने आ जाती है कि भाई पग फेरा है और पग फेरे के लिए तो घर आना ही होता है। लेकिन ये घर वाले मानने को तैयार ही नहीं है और घर वाले लेते हैं उसका बैग वैग सब सारा फेंक देते हैं। भाई होता ये है कि जितने पड़ोसी और सारे आस पड़ोस के लोग हैं ना, सब लोग आ जाएंगे और यहाँ पर सब लोग नारेबाजी करने लगेंगे मेयर और मेरे पैसे दो और ना सबको बता दूंगा कि मेयर को तुमने किडनैप करवाया था हानिया को लेकर, और बोलने लगेंगे कि भाई आप लोगों ने कितनी बेइज्जती कराई है यहाँ पर, आपकी लड़कियों ने क्या किया है। आपने देखा ना आपकी दूसरी लड़की ने किस तरीके से अपनी बहन के ही जो हस्बैंड होने वाला होता है उससे शादी कर लेती है, और यहाँ पर बोला कालिक वगैरह लेके आते हैं और उनको लगता है कि भाई हम इनका ना चेहरा काला कर देंगे। ये सारी चीजें हरकत देख के ना भाई आसमा तो बहुत गुस्से में आ जाती है। यहाँ पर मेयर को भी गुस्सा आता है और हानिया आ जाती है बचाने के लिए, लेकिन सूखी के कपड़ों के ऊपर वो पूरा जो काला पानी होता है ना वो सारा गिर जाता है और वो गुस्सा करने लगता है। यहाँ पर हानिया का बैग लेता है और उसको बाहर फेंक देता है और बोलता है हमारा तेरा कोई नहीं है और तू आज से हमारे लिए मर गई है। वहीं आसमा भी यही बोल रही है और यहाँ मेहर तो बोली देती है कि भाई तूने जिस तरीके के सारे रिश्तों के संग किया है ना वैसे ही तेरे संग हो रहा है, तू देख अभी और क्या क्या होगा तेरे साथ। हमने देखा ही था कि भाई मेहर ने उसके सारा सामान फेंक दिया है, सारा सामान जला दिया है, उसके सारे फोटोग्राफ से सारे कपड़े थे, मतलब उसने घर से उसका एक एक निशान हटा दिया, अब उससे इतनी नफरत करने लगी है। वहीं हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर मुंह दिखाई है और जो सरभ की माँ ना बार बार फोन कर रही है हानिया को कि तुम जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, और भाई तुम गई हो ना अपने घर तो शगुन लेकर आना, क्योंकि पक फेरे के लिए गई हो तो कुछ ना कुछ तो तुम्हारे घर वाले देंगे, तो एक काम करना लेकर आ जाना। हमने देखा ही ना कितनी लालची है वो, लालच के चक्कर में तो उसने सरभ की शादी की है हानिया से। और यहाँ पर हानिया अलग मुसीबत में है कि भाई वो तो घर जाना ही नहीं चाहती है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्योंकि सरभ ने मना कर दिया कि तुम घर मत आना, यहाँ पर उसकी माँ बुला रही है। और यहाँ पर मुंह दिखाई के लिए भाई सरभ की माँ को बड़ी चिंता हो रही है कि कोई भी नहीं आया, और वो आसमा को फोन करती है और बोलती है कि भाई आपके यहाँ से कोई नहीं आया, मेरे रिश्तेदार आए हुए हैं, मेरे आस पड़ोसी हैं, वो सब लोग मेरी बेइज्जती कर देंगे। और यहाँ पर आसमा भाई सब सामान वगैरह लेके आ जाती है और जैसी मुंह दिखाई शुरू होती है जैसे ही वो घूंघट उठाती है तो देखती है भाई मेहर है उसके पीछे, हानिया नहीं है। मेहर को देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, यहाँ पर मेहर को तो पता ही ना पसंद नहीं करती और लेती है पानी और उसके ऊपर डाल देती है। तो देखते हैं अभी सरभ किस तरीके से यहाँ पर मेहर को बचाता है।